आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बातों को अनदेखा कर परेशानी से घिर जाते हैं और ऐसे समय में हमें अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी से, जो पिछले कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो और एंजल कार्ड रीडर, हिप्नोसिस और अन्य कई विषयों की मदद से कई लोगों का यशस्वी रूप से मार्गदर्शन करती आ रही है। बॉलीवुड के कई सितारे भी इनसे परामर्श लेते हैं और अपने जिंदगी को सरल बना रहे हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी से। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना और आज हम मिले हैं एक और मूवी प्रेडिक्शन के साथ, सरफिरा। सरफिरा का जो टोटल है वो आता है नंबर 9 पे और जो डेट ऑफ रिलीज है वो है 12th July 2024। That is a combination of 3 and 9. 3 और 9 जो है वो एक ग्रुप में आता है, 3 और 9 जो है वो फ्रेंड्स हैं, एनिमी नंबर्स नहीं है। और अगर हम देखें तो सरफिरा भी जो है वो टोटल नंबर 9 पे आता है, तो जो डेट ऑफ रिलीज का है वो 100% बेनिफिट जा रहा है सरफिरा मूवी को। और मेरे को लगता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये मूवी अच्छी रहेगी, लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज न्यूमरोलॉजी से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं ये मूवी के बारे में, ये मूवी कैसी रहेगी। आइए देखते हैं टैरो की जुबानी ये मूवी की भविष्यवाणी। इसके लिए मैं निकालूंगी 5 कार्ड्स कि ये मूवी कैसी रहेगी, एवरेज रहेगी, अबव एवरेज रहेगी, लोगों को पसंद आएगी, नहीं पसंद आएगी। ओके, जो कार्ड्स निकले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मूवी को, तो इसका मैं कह सकती हूँ मिक्स्ड बैग रिएक्शन रहेगा। एवरेज मूवी रह सकती है, हो सकता है कि इनिशियली अच्छा ही हो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल मे नॉट लाइक इट। सो टैरो कार्ड्स जो है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मूवी को। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो सुधा कुंगारा है। अगर मैं उनका टोटल देखूँ तो आता है नंबर 4 पे, 4 नंबर राहू का नंबर है, उसका जरा भी मैच नहीं है ना 3 नंबर ना 9 नंबर से। तो एज अ डायरेक्टर उनको कोई भी न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा है। सुधा कुंगारा का डेट ऑफ बर्थ है 29th of March 1971। शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। ना 2 की वजह से उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी आती है और मैं कह रही हूँ हमेशा के हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ 5 नंबर जो है बहुत ही लकी नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है जो उनके पास नैसर्गिक तौर से प्रेजेंट है। और इस वजह से जो 5 है वो सबको न्यूट्रलाइज कर लेता है, वो 2 के साथ भी फ्रेंड है, 3 के साथ भी फ्रेंड है, 9 के साथ भी फ्रेंड है। तो ये 5 नंबर की वजह से सुधा कोंगारा को काफी बेनिफिट मिल रहा है और जो न्यूमरोलॉजी है वो उनको 50-60% सपोर्ट कर रही है। आइए देखते हैं एज अ डायरेक्टर उन्होंने जो फिल्म डायरेक्ट करी है उसका कैसा रिजल्ट रहेगा। हैज शी डन अ गुड जॉब, विल पीपल लाइक हर डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक फिल्म के लिए। तो मुझे जो ये दिख रहा है ना कि जो डायरेक्टर है वो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, शायद इनपुट्स किसी और के थे या शी इज नॉट बीन एबल टू डू सच अ गुड वर्क एंड शी कुड हैव डन इट बेटर। मतलब ये काम और अच्छा हो सकता था, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, एक्टर्स अच्छे हैं, काफ़ी कुछ इस फिल्म से हमें उम्मीद थी, काफ़ी अच्छी ये फिल्म हो सकती थी। बट इधर जो मुझे है वो दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी जगह पे ना एक लैप्स हुआ है और वो लैप्स की वजह से ये फिल्म का जो जो जिस मुकाम पे पहुंच सकती थी, जिस हाइट्स पे पहुंच सकती थी, वो हाइट्स पे मुझे ये फिल्म जाते हुए नजर नहीं आ रही है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं सूर्या। अगर मैं देखूं तो उनके नाम में उन्होंने एक एक्स्ट्रा आई लगाया है जिससे उनका नाम 13 की जगह 14 पे आ रहा है और वो भी जान चुके हैं महत्वपूर्ण नंबर 5 का। अगर हम इसे अपने नंबर्स में लें, हम इसकी नेम न्यूमरोलॉजी में लें तो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो डेफिनेटली 4 जो राहु का नंबर है, जो स्ट्रगल का नंबर है, उससे अच्छा अगर आपका 5 नंबर आ जाए जो बुध का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, पैसे का नंबर है, तो डेफिनेटली इनको मीडिया एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो न्यूमरोलॉजी वाइज उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। 5 नंबर की वजह से जो टोटल 5 आ रहा है वो डेफिनेटली 3 और 9 के साथ भी फ्रेंडली है। जो टोटल पिक्चर का है सरफिरा 9 नंबर आ रहा है, डेट ऑफ रिलीज 3 और 9 के साथ 5 जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। आइए देखते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सूर्या का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, सूर्या का जो है वो डेट ऑफ बर्थ है 23rd of July 1975। अगर आप देखें तो 23 का 5 है, 1975 का 5 है, इनके पास 2 5 हैं और ये इन्होंने कोशिश करके अपने नंबर्स में 5 पे लेकर आए हैं। इससे अच्छा अगर वो एक एक्स्ट्रा आर करें तो उनको जो 6 का जो लाभ मिल सकता है, 5 का नंबर लाभ तो ऑलरेडी है, तो उनको अपना नंबर एक्चुअली 6 पे वाइब्रेट करना चाहिए और ना कि 5 पे। 6 से उनको और भी ऐश्वर्य मिलेगा, और भी पैसा मिलेगा, क्योंकि 5 जो है उनके नंबर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है,
पांच और सात का कॉम्बिनेशन है, केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मीडिया फिल्म, तो मीडिया इंडस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है सरफिरा पिक्चर के साथ, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसके डेट ऑफ रिलीज से, तो एज अ प्रोड्यूसर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उनके नाम से प्लस उनकी डेट ऑफ बर्थ से। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या एज अ प्रोड्यूसर विल ही बी एबल टू गेट द मनी बैक, उन्होंने डेफिनेटली पैसे लगाए होंगे इस फिल्म में, क्या उन्हें वो पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या जो फिल्म है सरफिरा क्या उस फिल्म में इतना ज्यादा बेनिफिट आएगा उनके जो पैसे हैं, जो मुझे दिख रहा है कार्ड से कि वो अकेले नहीं है जिन्होंने वो पैसे लगाए हैं, तो पैसे तो वापस मिल जाएंगे, इतने नहीं जितना उन्होंने सोचा है, नहीं, जस्ट अबाउट द मनी विल कम बैक बट डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉस। इस फिल्म में हमें दिखेंगे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का जो टोटल नंबर आता है वो नंबर वन पे आता है, सूर्य का नंबर है, ईगो का नंबर है, सेल्फ रिस्पेक्ट का, नेम और फेम का भी नंबर है। जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं ना वो काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और जो उनको जो चीजें हैं वो अपने आप उनको मिलने लगती हैं। अगर हम देखें डेट ऑफ बर्थ ऑफ अक्षय कुमार, दैट इज कमिंग टू नंबर, सो अक्षय कुमार इज बॉर्न ऑन 9th ऑफ सितंबर 1967। देखिए अगर आप देखें तो 3 नंबर 9 आ रहा है जिसकी वजह से काफी एनर्जेटिक है, इनका टोटल कॉम्बिनेशन आता है 9 और 5 पे। आप देखिए ये सारे लोगों के पास ये नंबर 5 जो है वो है नैसर्गिक तौर से उनके पास है, तो डेफिनेटली 9 और 5 की वजह से अक्षय कुमार को न्यूमरोलॉजिकली वाइज काफी बेनिफिट आ रहा है ये फिल्म से। आइए देखते हैं टैरो क्या कहते हैं, क्या लोगों को अक्षय कुमार की एक्टिंग स्किल्स पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, विल पीपल लाइक हिज एक्टिंग स्किल्स। अक्षय कुमार काफी सीजनड एक्टर हैं और जो मुझे दिख रहा है काज जो है अपने आप ही 6 कार्ड्स आ गए, तो यस उन्हें काफी दिक्कत आई है, शायद वो बीमार थे या कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी ये पिक्चर बनाते वक्त, लेकिन उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ही हैज डन हिज बेस्ट, मतलब बोलते हैं ना बहुत कोशिश की है फिल्म को अपना 100% देने के लिए। पैसे उनको डेफिनेटली आएंगे, इससे उनको काम डेफिनेटली मिलेगा, काम जो है उनका नया काम जो है वो सितंबर में आते जाता दिख रहा है, उनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, सो मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 9 ईयर्स, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स टुडे। एंड यस लोगों को काम तुम्हें बोल रही हूँ 20-30% लोगों को काम पसंद आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 70-80% लोगों को उनका काम अच्छा लगेगा। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो है राधिका मदान, अगर राधिका मदान का मैं टोटल देखूँ तो आता है नंबर 4 पे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप अपना नंबर चेंज कीजिए एंड ट्राई टू रेजोनेट टू नंबर 5 और नंबर 6। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1st May 1995। अगर मैं देखूं तो शी इज कमिंग टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 3। अब वो 3 नंबर है तो उनको अपना नंबर 6 नंबर पे वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी राधिका मदान को या फिर अपना एक सिंगल ए बढ़ाएं या फिर अपना मदान में एक ए बढ़ाएं, ताकि नंबर 5 पे आता है, 5 जो है वो यूनिवर्सल नंबर है, वो खुद ही देखेंगे ये चेंजेस करके उनकी लाइफ में कितना फर्क पड़ जाता है, एंड शी डजंट हैव टू चेंज इट एनीवेयर, आपको सिर्फ ये 24 बार दिन में लिखना है कहीं पे इंस्टाग्राम या एनीवेयर, शी कैन डू इट एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट गिविंग हर अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। तो नंबर वाइज अगर मैं देखूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 3 प्लस नंबर 4, ये जो 4 है ना वो स्ट्रगल्स दे रहा है राधिका मदान को, एटलीस्ट 50-60% बेनिफिट्स मिल रहा है, नॉट 100% बेनिफिट न्यूमरोलॉजिकली वाइज। आइए देखते हैं टैरो क्या कहता है, लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी इन दिस फिल्म सरफिरा। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी इसके लिए, तो इट विल बी अगेन अ मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शन, उनके कुछ तो भी इमोशनल मुझे लग रहा है अपहीवल चल रहा है अभी इस वक्त उनकी लाइफ के अंदर, एंड जो उनकी स्ट्रगल है वो मुझे दिख रही है, वो काफ़ी परेशान है मेंटली, लेकिन ये जो फिल्म है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फिल्म उनके लिए बहुत ज़्यादा यू नो शी हैज रियली गिवन अ हार्ट एंड सोल टू दिस फिल्म, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट शी विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। 100% तो नहीं मिलेगा मगर उनका काम लोगों को पसंद आएगा। इस फिल्म में परेश रावल ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, अगर हम देखें तो परेश रावल का टोटल आता है नंबर 1 पे, जस्ट लाइक अक्षय कुमार, नेम फेम रिस्पेक्ट आप देखेंगे उनके पास सभी कुछ है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30th of May 1955, तो टोटल आ रहा है 301 पे, यानी कि कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत सूट कर रहे हैं उनको न्यूमरोलॉजिकली वाइज, एंड आपको ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली वाइज जो उनको बेनिफिट आ रहा है तो उनकी जो एक्टिंग है उस पर 4 चांद। जब आपका डेस्टिनी आपकी सपोर्ट करती है, आप अच्छे एक्टर तो रहते हैं पर जब आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है तो इट गोज टू अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एंड एज एन एक्टर ही हैज डन अ गुड जॉब एंड पीपल विल लाइक हिज वर्क, मे बी ही इज नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन, दैट मीन्स उनको शायद चाहिए था कि वो थोड़ा सा उनका रोल और बढ़े
या उनको थोड़ी सी और डेप्थ मिले, उनको कुछ और डायलॉग्स मिले समवेयर, ही इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी बट ही हैज डन अ गुड जॉब फॉर द रोल एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट हिज वर्क। इस फिल्म में हमें दिखेंगी सीमा बिस्वास, एंड सीमा बिस्वास का जो टोटल है वो नंबर आता है 7 पे। 7 इज अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, स्ट्रगल्स। केतु जो है वो काफी स्ट्रगल देता है, हेड नहीं होता है केतु का, इस वजह से थिंकिंग पावर ऐसे लोगों की थोड़ी सी कम होती है। वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, तो इनको अपने डिसीशंस जो हैं वो इनको अपने सोच समझ के नहीं, जो उस वक्त उनको इंट्यूशन कहता है उस पर फोकस करके अपने डिसीशंस लेने चाहिए। अगर अपना ये नंबर थोड़ा सा ट्विक करें तो मुझे लगता है इनको डेफिनेटली और नेम एंड फेम मिलेगा। सीमा बिस्वास का डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1965। अगर आप देखेंगे नैसर की तौर से 2 बार 5 आ रहा है, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन है, 9 जो है वो सरफिरा से कंबाइन कर रही है, प्लस डेट ऑफ रिलीज से भी उसको बेनिफिट आ रहा है, तो डेफिनेटली उनको 70-80% न्यूमरोलॉजिकल बेनिफिट है। आइए देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। टैरो कार्ड्स के हिसाब से हाउ विल सीमा बिस्वास डू एज एन एक्ट्रेस ईयर। उनके जो काम है उनको ठीक ठीक काम है, एक एवरेज काम मुझे दिख रहा है, उनको काफी होप्स है लेकिन वो ज्यादा बेटर कर सकती थी एंड लोगों को उनका काम पसंद आएगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि शायद वो अपनी प्रेजेंस यू नो थ्रू दिस फिल्म शी मे नॉट बी एबल टू यू नो शोकेस हर टैलेंट्स कम्प्लीटली और शो हर कम्प्लीट प्रेजेंस। तो ये था सरफिरा मूवी का प्रिडिक्शन। आइए देखते हैं ये जो फिल्म है इसको हम कितने स्टार्स देते हैं टैरो के थ्रू। टैरो के थ्रू हम इसे आराम से कंजर्वेटिव में 3.5 से लेके 4 का स्टार रेटिंग दे सकते हैं। 3.5 से 4 का रेटिंग हम आराम से दे सकते हैं। लगता है फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी लेकिन थोड़े एफर्ट्स की कमी होगी, जो मुझे ऑल ओवर दिख रहा है कि जो डायरेक्टर हैं अगर वो थोड़े से और एफर्ट्स होते तो फिल्म वुड हैव बीन अ मच बेटर फिल्म। यस पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस फिल्म, अप्रिशिएट द फिल्म, या स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होगी इस फिल्म की तो लोगों को अच्छी लगेगी, लोग जरूर जाके देखने वाले हैं। 12 जुलाई है, इट्स गोइंग टू बी अ मॉनसून सीजन, प्लीज गो वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स, एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम। आइए देखते हैं ये जो मूवी है, ये मूवी अपना जो पैसा जितना इस फिल्म में लगा है वो पैसा रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसके लिए मैं आपको देख रही हूँ, हाँ 100% रिकवर कर पाएगी। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 साल लगा ये पिक्चर बनने में, या थोड़े से बहुत ब्लॉक्स आए हैं ये पिक्चर बनने में, लेकिन ये 100% अपना पैसा वापस निकाल पाएगी। तो ये था सरफिरा मूवी का मूवी प्रेडिक्शन। मैं आशा करती हूँ आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। प्लीज गो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एंजॉय द फिल्म। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते।